इंग्लिश ग्रामर के सेकेंड लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए। इसके बाद जानेंगे इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश क्या है। देखिए, इंग्लिश शब्द को एंजेलिक से ड्राइव किया गया है, जो एंजल्स की भाषा से लिया गया है। 5वीं सदी के दौरान 3 जर्मनी के आदिवासियों के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिन्हें ही एंजल्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो एंजल्स लोग आए थे उनकी भाषा से, एंजेलिक शब्द से ही इंग्लिश को ड्राइव किया गया है। आइए अब जानते हैं लैंग्वेज या भाषा क्या है। व्हाट इज लैंग्वेज? देखिए, भाषा अपनी अभिव्यक्ति या विचार को प्रकट या व्यक्त करने के तरीका को भाषा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी सोच या विचार को जिस भी माध्यम से लोगों से बात करते हैं या अपनी बातों को बताते हैं उनको, वह तरीका भाषा कहलाता है। जैसे आप अपनी सोच को बोलकर, लिखकर, एक्ट या अभिनय करके आप अपने भाषा को, आप अपने चीज़ों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस पूरे दुनिया में कई हजार लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एक्सेट्रा। अब हम लोग जानेंगे हमें इंग्लिश पढ़ना क्यों चाहिए। व्हाई शुड वी स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यह कई देशों का प्राइमरी लैंग्वेज है। जैसे कि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कई सारे देश हैं जिनका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश बना हुआ है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कई देशों का यह सेकेंडरी लैंग्वेज भी है, जैसे इंडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कई ऐसे देश हैं जिनके लिए ये सेकेंडरी लैंग्वेज बना हुआ है। साथ ही साथ यह लैंग्वेज 75 देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज बना हुआ है और यह लैंग्वेज 100 से भी ज़्यादा देशों में बोली जाती है। आपको मैं यह भी बता दूं कि यह पूरे दुनिया में 6000 भाषा बोली जाती है, जिसमें से केवल 10 भाषा ही ज़्यादा बोली जाती है। उसमें से इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आपको ये भी बता दें कि पूरी दुनिया की आबादी 7.9 बिलियन, मतलब लगभग 8 अरब लोग हैं, जिसमें से 2 अरब से ज़्यादा लोग केवल इंग्लिश बोलते हैं। यह लैंग्वेज अब दुनिया में सेकेंडरी लैंग्वेज बन चुका है। साथ ही साथ लोग इसे इजी लैंग्वेज, एजुकेशनल लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंग्लिश ग्रामर क्या है और व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रामर को समझते हैं। ग्रामर क्या है? व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जो भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। या इंग्लिश में ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स विच मेक्स अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामर में छोटे छोटे नियमों को इकट्ठा किया गया है, जमा किया गया है, कि जब आप उस नियम का यूज करेंगे बोलने के क्रम में तो आपका लैंग्वेज में शुद्धता प्रदान करता है। तो अब हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या है। देखिए, हमें यह समझने की ज़रूरत है, जो ग्रामर का डेफिनेशन है, जितने भी दुनिया में लैंग्वेजेज हैं उन सब का डेफिनेशन यही होगा। डेफिनेशन क्या होगा कि ग्रामर जो हमारा है वो नियमों का संग्रह है। बस अब हमें क्या करना है कि उस डेफिनेशन में इंग्लिश को ऐड कर देना है। अगर हमसे कोई जर्मन लैंग्वेज का पूछता है कि जर्मन ग्रामर क्या है, स्पेनिश ग्रामर क्या है, फ्रेंच ग्रामर क्या है, तो बस हमें ग्रामर के डेफिनेशन में वो वर्ड को ऐड कर देंगे तो वो हमारा इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन हो जाएगा, स्पेनिश ग्रामर का डेफिनेशन हो जाएगा। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश ग्रामर क्या है। देखिए, अंग्रेजी व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जो अंग्रेजी भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने क्या किया, ग्रामर डेफिनेशन में सिर्फ अंग्रेजी को ऐड कर दिया। इसी तरीका से अगर बोलना होगा स्पेनिश ग्रामर क्या है, तो हम इसे बोलेंगे स्पेनिश व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जो स्पेनिश भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ अपने क्लास का, क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर का लाइव क्लास भी लेता हूँ, तो उसमें मैंने पढ़ाने के क्रम में मैंने ये डेफिनेशन समझा दिया लोगों को। फिर मैंने पूछा, ये बताओ फिजिक्स ग्रामर क्या होता है, तो उन्होंने फिजिक्स ग्रामर में भी यही डेफिनेशन बता दिए कि फिजिक्स व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जो फिजिक्स भाषा को शुद्धता प्रदान करता है।
तो यह समझने की बात है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि जो भाषा होता है उसी को शुद्धता प्रदान कर सकता है ग्रामर। फिजिक्स हमारा भाषा नहीं है, फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें रिसर्च करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है वो हमारे। तो ये हमेशा ध्यान देना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है कि केवल लैंग्वेज के ही डेफिनेशन में हमें ऐड करना है। आइए अब हम लोग समझते हैं, जानते हैं लिटरेचर क्या है। व्हाट इज लिटरेचर? साहित्य। साहित्य एक कला है जो क्रिएटिव थिंकिंग इमेजिनेशन को करके लिखा जाता है, जैसे पोएम, कहानी, आपका ड्रामा, फिल्म एक्सेट्रा। कई ऐसे ही इमेजिनेशन होते हैं जिनको आप इमेजिन करके लिखते हैं, वो सब लिटरेचर कहलाते हैं, साहित्य कहलाते हैं। इसी तरीका से अब हम लोग समझेंगे इंग्लिश लिटरेचर क्या है। देखिए लिटरेचर में भी वही है जिस तरह से ग्रामर के डेफिनेशन में आपने किया, स्पेनिश ग्रामर, जर्मन ग्रामर, उर्दू ग्रामर, फ्रेंच ग्रामर, उसी तरह लिटरेचर का भी होता है। जितना का ग्रामर होता है उतना लिटरेचर भी होगा। तो इंग्लिश लिटरेचर, स्पेनिश लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, बस आपको ये करना है कि जो लिटरेचर का डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में आपको उस जिस लैंग्वेज का आप बनाना चाहते हैं लिटरेचर उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश साहित्य वो है जो क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश में इमेजिन करके हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम लोग इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा स्पेनिश लिटरेचर क्या है, तो स्पेनिश लिटरेचर वो है जो इमेजिनेशन करके जो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम स्पेनिश लिटरेचर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश लिटरेचर समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, प्रोज हो गया, फिक्शन हो गया, ड्रामा हो गया, प्ले हो गया, फिल्म हो गया, और कई सारे ऐसे साहित्य हैं जिन्हें हम लोग इमेजिनेशन करके थिंकिंग करके लिखते हैं। आप इंग्लिश ग्रामर लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और साथ ही आपको इस स्क्रीन पे क्लास का आईडी है जिसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जब आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह का ट्यूशन फी या किसी भी तरह का चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। आज सेकेंड लाइव क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और कई सारे टॉपिक्स रिलेटेड आपको वीडियो हमेशा इसी तरह मिलता रहे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।